हेलो एवरीवन। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का फाइनल रिजल्ट कल ही आ गया था। उसके आगे का प्रोसेस क्या रहता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद अब क्या चीज़ें होंगी आपके साथ और क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। खासकर अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट रह रहा होगा कि अभी आपके जो अगले 2-3-4 महीने हैं वो कैसे दिखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, कब कौन सा चीज़ होगा, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसको एंड तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है। इसमें मैं सारी चीज़ें को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे। और कल इमीडिएटली वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़े से ऑब्लिगेशंस दूसरी चीज़ों में मैं अभी थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, फैमिली में थोड़े इशूज़ चल रहे हैं इसके वजह से। लेकिन इसके बाद से अपन कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिनका सिलेक्शन हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेहनत का फल आपको मिला है। यदि आप अपनी जर्नी को शेयर करना चाहते हैं, एग्जाम क्लस्टर को थैंक यू बोलना चाहते हैं या थैंक यू नहीं भी बोलना चाहते, लेकिन फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहते हैं, जर्नी को शेयर करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल रहा होगा फीडबैक फॉर्म का। उस फॉर्म को आप ज़रूर से जा करके भर दीजिएगा। अगर आप ने किसी भी पेड प्रोडक्ट को लिया था या फ्री प्रोडक्ट को यूज़ किया था एग्जाम क्लस्टर के, तो आपको वो ज़रूर भरना चाहिए। अगर आपने नहीं भी लिया था, अगर आप जस्ट ऐसे भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ अपने छोटे भाइयों के साथ बहनों के साथ शेयर करना चाहते हो अपने सक्सेस की स्ट्रैटेजी, तो आप प्लीज़ उसको जा करके भरिएगा। इससे आने वाले एस्पिरेंट्स की बहुत मदद होगी और आपको भी बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होगा। देखिए, दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, या तो स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगने वाले डिपार्टमेंट होंगे या बिना स्टेट प्रेफरेंस वाले। जैसे कि डीओपीटी हो गया, उसमें स्टेट प्रेफरेंस नहीं है। एमईए हो गया, उसमें स्टेट प्रेफरेंस नहीं है, उसमें डायरेक्टली सारे काम होगा, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही शुरुआत होगी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। जैसे मान लीजिए जो सीबीआईसी है उसके अंदर स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, ठीक है। सीबीआईसी के अंदर आपको स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। सीबीडीटी है, उसके अंदर भी स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इनकम टैक्स वाला जो है, इसके अंदर स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। उसी तरह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसके अंदर भी स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो अगर स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो सबसे पहले यही काम होगा आपसे, ठीक है। तो स्टेट प्रेफरेंस मांगने के लिए आपको कम्युनिकेशन जो है वो आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू होगा, यानी एसएससी में रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो ईमेल आईडी दी थी उसी पे आपको सामने से कम्युनिकेशन आएगा। ज़्यादातर मैं आजकल ऑनलाइन ही ले लेते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन भी होगा आपके डिपार्टमेंट में तो वो सारा कम्युनिकेशन वहीं होगा आपकी ईमेल आईडी के थ्रू। मोबाइल नंबर भी आपको एक्टिव रखना है क्योंकि ओटीपी वगैरह वहीं पर आएगा, ठीक है। तो जो आपने यूज़ किया था एसएससी में रजिस्ट्रेशन के लिए, सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी आपको एक्टिव रखना है। यदि आपका इन दोनों में से कुछ भी एक्टिव नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी आपका स्टेट प्रेफरेंस आएगा तो उसके ही नोटिफिकेशन के पीडीएफ में आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल डिस्प्ले रहेगा कि अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो या ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो इस जगह पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो वैसे जगह पे आपको कांटेक्ट कर लेना। अगर आप बोलोगे कि सर कैसे वो लोग मुझे पहचानेंगे कि मैं अगर मैं दूसरे ईमेल आईडी से या दूसरे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करूं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वहाँ पे भी आपको तरीका बता दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड का उसमें कॉपी लेते हैं और एक आईडी प्रूफ का कॉपी लेते हैं और उससे वेरिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ईमेल आईडी गलत भी है, चेंज भी हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वहाँ पे फिर से आप इसको करेक्शन यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेट प्रेफरेंस आपकी ले ली जाएगी। स्टेट प्रेफरेंस ज़्यादातर ऑनलाइन ही भरी जाती है। अभी आपके पास और भी एक मौका है कि आप प्लीज़ टेलीग्राम अपना चला लो, अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो, क्योंकि सारे के आपको ग्रुप्स यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप में क्या होता कि आपको बहुत सारी चीजें मैन्युअली ट्रैक नहीं करनी होती, कोई ना कोई तेज तर्रार बंदा होता है जो वहां लेके डाल देता है। जैसे मेरा सीबीआईसी वाला है, तो सीबीआईसी में ग्रुप है, ज्यादातर लोग उसमें हाइपर एक्टिव रहते हैं, मुझे बस थोड़ा एक बार जाके ग्रुप खोलने का होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगती, दूसरे लोग आपकी मदद कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेट प्रेफरेंस का पहला स्टेप हो गया। अगर स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है तो तब के केस में बात कर रहा हूँ, तो पहले आपसे स्टेट प्रेफरेंस ले लिया जाएगा। फिर क्या है, स्टेट का एलोकेशन आएगा। अब एलोकेशन कितने दिनों में आएगा, तो देखिए ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है। कहीं बहुत जल्दी आ जाएगा, कहीं थोड़ा सा वक्त लगाएगा। जैसे हमारे सीबीआईसी में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं, जो कि अच्छा भी है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि अगले सीजीएल की तैयारी के लिए समय मिल रहा है। लेकिन किसी किसी को ये अच्छा नहीं भी लगता, तो खैर ये हमारे ऊपर नहीं है। पहले स्टेट प्रेफरेंस लिया जाएगा, महीने भर के अंदर अंदर आपका एलोकेशन आएगा, यानी आपको कौन सा स्टेट मिला या कौन सा जोन मिला, ठीक है। तो जोन मिलने के बाद, ये स्टेट मिलने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट का प्रोसेस सेम है। जिनका मान लीजिए कि नहीं मांगा जाता था स्टेट प्रेफरेंस, जैसे कि आपका C SSS हो गया, ठीक है। तो C SSS वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्टली उनका होगा, और आपका ये सारे प्रोसेस होने के बाद, तो आप जिनका स्टेट प्रेफरेंस लिया जा रहा है उनका प्रोसेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जिस जोन में आपको एलोकेट किया गया है वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिपार्टमेंट ही करवाएगा, ठीक है। SSC का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे CBIC में अगर मान लीजिए किसी को रांची जोन मिलता है, तो रांची जोन में जो CBIC का ऑफिस होगा वहीं पर आपको बुला दिया जाएगा, वहीं पर सेम यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका ईमेल से ही होगा, और वहीं
पे आपको बुला लिया जाएगा। एक आपको पीडीएफ होगा, उसमें सारी चीजें लिखी होंगी कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आनी है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जा सकते हो। और मान लीजिए जिसका C SSS है तो उनको तो खैर दिल्ली में ही होगा, तो दिल्ली में जो ऑफिस होगा वहीं पे उनको बुला दिया जाएगा। डेजिग्नेटेड सबका टाइम होता है, अगर उस टाइम पे आप मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको मौजूद रहना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्या क्या लेकर के जाना है, नहीं लेकर के जाना, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। लेकिन जो जनरल चीजें हैं वो आपको पहले से पता ही होंगी अगर आप इतने आगे तक पहुंचे हो, ठीक है। तो अब होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आजकल बहुत लंबा कोई प्रोसेस है नहीं, आराम से करवा लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका क्या होता है, उसके बाद रोजगार मेला या अपॉइंटमेंट लेटर की बारी आती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच बीच में और भी है, मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है। जनरली ये मेडिकल जो है वो आपका यहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक दो दिन बाद या उसी समय करवा लिया जाता है। ये भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करेगा। पुलिस वेरिफिकेशन जनरली ज्वाइनिंग के बाद ही करवाते हैं, लेकिन ऐसा कहा मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसी में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका मेडिकल और पुलिस ये सब भी यहीं पे कंक्लूड हो जाने के बाद आपको रोजगार मेला में बुलाया जाएगा या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, ठीक है। अब रोजगार मेला अटेंड करना मैंडेटरी नहीं है, इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आपको वहां से कॉल आएगा, बोलेंगे कि बेटा 13 तारीख को 15 तारीख को जो भी डेट होगा उसमें रोजगार मेला है, आप आ जाओ फलां फलां ऑफिस में फलां जगह पे आ जाओ, आपका अकोमोडेशन वगैरह का इंतजाम करवा देंगे, आ जाओ रोजगार मेला अटेंड कर लो। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता, बहुत लोग नहीं आ पाते अदर ऑब्लिगेशंस की वजह से। तो ऐसा नहीं कि रोजगार मेला में नहीं जाओगे तो जॉब मिलेगी ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको डिजिटली भेजा जाएगा और हार्ड कॉपी भी ज्यादातर डिपार्टमेंट भेज देते हैं, तो उसी में आपको बोल दिया जाएगा कि इतने से इतने तारीख के बीच में आप कभी भी आकर के ज्वाइन कर लो। बाकी कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ चलता है यहाँ पे। तब तक आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो आपको डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो जाएगी, तो आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो कि ज्वाइनिंग लेने कब सही रहेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत लोग एक्सटेंशन वगैरह का भी ट्राई करते हैं, तो वो सब खैर वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, यहां तक आपका प्रोसेस चलेगा। अब देखिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है। जैसे सीबीआईसी का मैं बता देता हूं क्योंकि मैं इसी में सिलेक्टेड हूं, तो सीबीआईसी में क्या है कि स्टेट एलोकेशन के लिए हमने स्टेट प्रेफरेंस अभी तक भरा है, ठीक है। स्टेट प्रेफरेंस भरा है लेकिन एलोकेशन अभी तक हमारी आई नहीं है, ठीक है। तो स्टेट प्रेफरेंस का जो हम लोगों ने भरा था, आई गेस हमने जून में इसका काम किया था, ठीक है। अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई में अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। इतने लगभग आपका प्रोसेस रहता है, ये सीबीएसई का मैंने बता दिया, बाकी डिपार्टमेंट भी लगभग सेम ही चलता है। स्पीड सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन रोजगार मेरा वाला बात जो मैंने बताया कि मैंडेटरी नहीं है, हालांकि जाइएगा अच्छा लगेगा, कुछ नई चीज है, कुछ नए लोगों से मिलेंगे, अच्छा ही लगेगा, मजा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस अभी आपका चलने वाला है, आराम से आप लोग काम करें, पढ़ाई करें। अगर आप लोग और तैयारी करना चाहते तो और तैयारी करें, अदरवाइज अगर आप लोग सेटल होना चाहते तो सेटल होने की तैयारी करें, अभी घूम घूम लीजिए, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जॉब वैसी वाली रह नहीं गई कि ज्वाइन कर लोगे तो फिर मस्ती मारना है सिर्फ, नहीं वहां पे भी अच्छा खासा काम होता है, ठीक है। तो अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, फीडबैक फॉर्म को जरूर भरिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एग्जाम क्लस्टर आपको अच्छा लगता है तो आने वाले एस्पिरेंट्स को जरूर इस चैनल के बारे में बताइएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।